हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं नूडल्स के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। नूडल्स तो सभी बच्चों की पहली पसंद होती है। कोई भी बच्चा हो, चाहे छोटा या बड़ा, कभी नूडल्स को मना नहीं कर सकते हैं। नूडल्स आजकल सभी घरों में मौजूद ही रहते हैं। तो चलिए बनाते हैं नूडल्स के पकौड़े। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, बर्तन में इतना पानी ले लेंगे कि नूडल्स आसानी से उसमें डूब सके। तो मैंने 2 कप पानी लिया है। पानी में उबाल आने पर उसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नूडल्स को उबलते पानी में डाल देंगे। तो मैंने 3 छोटे पैकेट नूडल्स ही ली हूँ। इस तरह से मैंने पानी में नूडल्स को डाल दी है। अब मैं उसे उबलने देती हूँ। नूडल्स के नरम होने पर नूडल्स को छान लेंगे। देखिए, नूडल्स हमारी पक गई है। नूडल्स पकने में मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब मैं एक छलनी में ये नूडल्स के पानी को डाल दूंगी, जिससे एक्स्ट्रा पानी नीचे गिर जाए। अब मैं नूडल्स को ठंडा होने दूंगी। अब मैं एक बाउल लूंगी और उसमें उबले हुए नूडल्स को डाल दूंगी। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन ली हूँ और 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ली हूँ। और अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिला लूँगी और मैगी मसाला को भी मिला दूँगी। और अब मैं इसमें 1 उबले हुए आलू को इस तरह से क्रश करके मिला देंगे, जिससे कि क्रंची बनेंगे हमारे पकौड़े और टेस्टी भी बनते हैं। तो मैंने आलू को क्रश कर दिया है। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बने ये नूडल्स के पकौड़े। बहुत कुरकुरे भी बनते हैं नूडल्स के पकौड़े, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने उबले हुए आलू को क्रश कर ली। अब मैं इसमें 1/2 छोटा बंधे गोभी को क्रश करके मिला ली हूँ और 1 बड़ा चम्मच धनिया, ग्रीन हरा धनिया मिला ली हूँ और 2-4 हरी मिर्च काट कर मिला दूँगी और 1 पिंच अदरक का टुकड़ा भी मिला दूँगी। और अब मिश्रण में थोड़े थोड़े पानी डालकर गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल लूँगी। पकौड़े जैसी कंसिस्टेंसी का घोल बनाएंगे। घोल को 4-5 मिनट तक फेंटते रहिए। उस घोल को फेंटने से एकदम चिकना बन जाती है। और अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी मिला दूँगी। कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। तेल गरम होने पर चम्मच से या हाथ से थोड़ा सा मिश्रण उठाकर कढ़ाई में इस तरह से डालते जाएंगे। जितने पकौड़े हमारे कढ़ाई में आ सके उतने पकौड़े मैं डाल दूँगी। इस तरह से मैंने कढ़ाई में पकौड़े के घोल को डाल दिए हूँ। पकौड़े को पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लूँगी और गैस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर रखी हूँ, जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए हमारे पकौड़े। देखिए, इस तरह से पलटते हुए मैंने पकौड़े को तल लिया है।
यकीन मानिए आप ये पकौड़े, नूडल्स के पकौड़े ज़रूर से बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी बनी थी ये पकौड़े, देखिए देखने में भी ये कितनी क्रंची लग दिख रही है ना, एक तरह से लटते पलटते हुए मैंने सभी पकौड़े को गोल्डन ब्राउन कलर की कर ली है। देखिए कितने अच्छे दिख रही है ना हमारे पकौड़े, उतने ही टेस्टी खाने में भी लगी थी ये पकौड़े। अब तले हुए पकौड़े को मैं किसी प्लेट में नैपकिन पेपर पर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारे पकौड़े को निकाल दिए हैं नैपकिन पेपर पर। सारे नूडल्स पकौड़े को इसी प्रकार तल कर तैयार कर लीजिए। हमारे सारे पकौड़े तल गए हैं, गर्मा गर्म क्रिस्पी नूडल्स पकौड़े तैयार हैं। नूडल्स पकौड़े को आप टोमेटो सॉस या हरे धनिए की तीखी चटनी के साथ परोस सकते हैं। मैंने टोमेटो केचप के साथ ये इस पकौड़े को सर्व की हूँ। नूडल्स एक चाइनीज रेसिपी है जो हमारे देश में चाइना से आई है। देखिए मैंने पकौड़े को इस तरह से फोक से आपको आवाज़ सुना रही हूँ, देखिए ये कितने क्रंची बने हैं, आवाज़ आ रही है ना। नूडल्स के पकौड़े पूरे भारत में चाव से खाई जाती है। आज हम इस चाइनीज रेसिपी को अपना इंडियन टच देते हैं। इंडियन मसाले पूरी दुनिया में फेमस हैं। आपको हमारी ये नूडल्स पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर शेयर करें, और कोई सवाल हो तो पूछिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी रेसिपी पसंद आती है आपको तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करिएगा, और ऐसी ही अन्य रेसिपीज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।